और यहाँ पर टाइमर चालू होते ही दोनों पहलवान पूरी तरह से भटूरे को उठाए और छोले में डुबाए, ये गया बाइट अंदर। और देखिए कौन जीतता है कौन हारता है, जो सबसे पहले इस छोले भटूरे को समाप्त करेगा। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में छोले भटूरे लगे हुए हैं, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है छोला भटूरा खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर छोले भटूरे लगे हुए हैं, तो आज हमारा 8 भटूरा छोले ईटिंग चैलेंज है। और इस चैलेंज में छोटे लाल जी और फूलचंद जी बैठ चुके हैं, तो छोटे लाल जी आज फिर गर्दा उड़ाने के लिए फूलचंद जी का आ चुके हैं चैलेंज में। तो आज लाल जी का धन्यवाद करते हैं और देखते हैं 8 भटूरे छोले कौन सबसे पहले कंप्लीट करता है और कौन 500 रुपए की राशि लेकर जाता है। तो देर न करते हुए हम चाहेंगे पवन जी टाइमर चालू भी कर दीजिए, और यहाँ पर टाइमर चालू होते ही दोनों पहलवान पूरी तरह से भटूरे को उठाए और छोले में डुबाए, ये गया बाइट अंदर। और देखिए कौन जीतता है कौन हारता है, जो सबसे पहले इस छोले भटूरे को समाप्त करेगा वो इनाम की राशि 500 रुपए पाएगा। और बहुत ही सूझबूझ से बहुत ही तगड़े चैलेंजर के रूप में दोनों चैलेंजर आ चुके हैं। बहुत गजब तरीका है। और इस समय छोटे लाल जी पूरी तरह से डुबो कर खा रहे हैं छोले को, छोले और भटूरे को। और इधर फूलचंद जी पूरी तरह से फुल एक्सल में आ चुके हैं, एक्सल पावर लगा चुके हैं। तो देखना है मंजिल तक पहुंचने के लिए, इनाम की राशि जीतने के लिए सबसे पहले कौन चैलेंजर बनता है, मतलब कौन जीत हासिल करता है, फूलचंद जीते हैं कि छोटे लाल। 40 सेकंड में 2 भटूरे उड़ा दिए हैं फूलचंद जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और बहुत तगड़े फॉर्म में आज फूलचंद जी आ चुके हैं, तो छोटे लाल जी को भी एक्सीलेटर फॉर्म लगाना पड़ेगा। अगर एक्सीलेटर फॉर्म लगाएंगे तभी फूलचंद जी का गर्दा उड़ा पाएंगे। बहुत बढ़िया, तो छोटे लाल जी से निवेदन है कि बहुत तेज स्पीड बना लीजिए, मतलब जैसे आपसे स्पीड बनती हो उसी स्पीड से आप चलते रहिए, नहीं तो फूलचंद जी को पकड़ पाना आपके बस की बात नहीं है। और देखना है कि छोटे लाल जी फूलचंद को हराते हैं या फूलचंद छोटे लाल को हराते हैं। बहुत गजब तरीके से दोनों लोग जीते हुए हैं, सोच समझ के आए हैं चैलेंज में, आज बड़ौरा की धरती को उड़ा देंगे। बड़ौरा की धरती को उड़ाना है तो थोड़ा सा स्पीड लेकर चलना होगा छोटे लाल जी। बहुत गजब तरीके से हाई वोल्टेज बाइट का उपयोग करिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फूलचंद जी इस समय पूरी तरह से इंजन बन गए हैं, मशीन लगा लिए अपने शरीर में और बहुत पावर के साथ जुटे हुए हैं। देखते हैं छोटे लाल जी कितना आगे जा पाते हैं फूलचंद जी से और कितने समय में 8 भटूरा छोले कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। छोटे लाल जी थोड़ा सा स्पीड बना के चलिए। और यहाँ पर देखते ही देखते पूरी तरह से गर्दा उड़ा दिए हैं फूलचंद जी, और देखना है कि छोटे लाल जी फूलचंद जी का पीछा कर पाते हैं कि नहीं। अगर जीतना है तो इस थाली में रखे हुए छोले और भटूरे को समाप्त करना होगा। काफी हाई पावर में फूलचंद जी चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और फूलचंद जी जब अपना एक्सल पावर लगा देते हैं तो समझ के चलिए इनके आगे अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। लेकिन इधर बैठे हैं छोटे लाल यादव जी, जो कि बहुत ही गजब का चैलेंज, बहुत तगड़ी एक्सल पावर लगाते हैं। और जब भी और जितना भटूरा छोटे लाल जी का खत्म हुआ है उतना ही फूलचंद जी भी खत्म किए। दोनों चैलेंजर सेम स्पीड में चल रहे हैं, सेम पावर में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत। और छोटे लाल जब भी अपना हौसला दिखाते हैं तो फूलचंद जी हार ही जाते हैं। और छोटे लाल जी एक्सल पावर में आ चुके हैं, अब देखना है छोटे लाल जी कितनी तेज खाकर फूलचंद को हराते हैं। छोटे लाल जी फूलचंद को हराना होगा तो थोड़ा सा खावा इंजन लगा के चलिए। बहुत गजब तरीके से आप आए हैं, तो जो हौसला लगाए हैं उस हौसले को बरकरार रखिए। और छोटे लाल जी हमको लग रहा है पानी पीने में ज्यादा समय लगा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और दोनों ही चैलेंजर बहुत सूझबूझ से बहुत तगड़े चैलेंजर के रूप में उतरे हुए हैं, और आज दोनों चैलेंजर साबित कर देंगे कि एक से बढ़कर एक हैं। अगर सूझबूझ जैसे चल रही है, अगर ऐसे लगाए रखेंगे तो फूलचंद जी लगभग जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन दोनों लोगों के थाली में सेम भटूरा रखा हुआ है, तो देखना है कि इस जंग में जीत किसकी होती है, फूलचंद की जीत होती है कि छोटे लाल जीते हैं। जो जीतेगा 500 रुपए का इनाम पाएगा, जो सबसे पहले छोला भटूरा समाप्त करेगा वो 500 रुपए का नगद पुरस्कार पाएगा। बहुत बढ़िया, और फूलचंद जी को आज गर्दा उड़ाने के लिए छोटे लाल जी बैठ चुके हैं, तो आज उड़ा के छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब तरीके से छोटे लाल जी उतरे हैं इस फौजी जंग में, मतलब छोला भटूरा के इस समय छोला भटूरा समय चलिए इस समय फौजी जंग ही चल रही है। और इस जंग में दो योद्धा बैठ चुके हैं, एक छोटे लाल है तो एक फूलचंद है। और छोटे लाल फूलचंद के इस जंग में जीत किसकी होती है, फूलचंद की होती है कि छोटे लाल की होती है? और छोटे लाल जी आज लग रहा है बिल्कुल क्लोज जाके रह जाएंगे। नहीं, क्लोज जाके नहीं रह जाएंगे, क्लोज आते आते फूलचंद जी खुद ही रह जाएंगे छोटे लाल जी से। बहुत गजब, और फूलचंद हारने वाले हैं। अगर छोटे लाल जी थोड़ा सा स्पीड बना लेंगे तो फूलचंद अभी भी हार सकते हैं। तो छोटे लाल जी थोड़ा सा स्पीड बना के चलिए, बहुत गजब तरीके से आप जंग जीतने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत
बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फूलचंद जी के थाली में लास्ट भटूरा पड़ा हुआ है और छोटे लाल जी के थाली में भी एक भटूरा प्लस है बस, बाकी कोई नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। फूलचंद जी भटूरे को, दस्ती भटूरे को भोजन बना के इस समय खा रहे हैं और भटूरा इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा है और इस मोहब्बत की जंग में फूलचंद जी काफी बढ़त बनाए हुए हैं और छोटे लाल जी भी काफी बढ़त बनाए हैं। दो भटूरे से अभी पीछे चल रहे हैं, मतलब एक भटूरे से पीछे चल रहे हैं छोटे लाल जी। और छोटे लाल जी थोड़ा सा स्पीड अगर बना लगे तो अभी भी फूलचंद बहुत दूर नहीं गए हैं और इनको पीछे कर सकते हैं। बहुत गजब। और जो साहस है वो साहस पूरी तरह से छोटे लाल जी लगा कर बैठे हैं और फूलचंद जी भी छोटे लाल को चैलेंज याद दे दिए हैं कि चलिए देखिए आप आगे जाते हैं कि हम आगे जाते हैं। और छोटे लाल जी जब भी एक्सीलेटर पावर में आते हैं तो गर्दा गर्दा उड़ा के जाते हैं। बहुत और छोटे लाल जी को हराने के लिए फूलचंद जी पूरी तरह से भटूरे को टुकड़े में विभाजित किए हैं कि हर टुकड़े पर छोटे लाल का नाम लिखना चाहते हैं, लेकिन अगर खा जाएंगे तो हर टुकड़े पर जीत की नाम सोचेगी। खा रहे हैं और छोटे लाल जी अभी दो भटूरा रखे हुए हैं और देख रहे हैं फूलचंद जी को कितना आगे चले गए, क्या हो रहा है। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं छोटे लाल जी फूलचंद जी को देखकर। और देखते ही देखते फूलचंद जी लगभग लास्ट भटूरे की दो तीन बाइट बची हुई है, नहीं तो जीत हासिल करने वाले हैं। तो कोई जोर दबाव नहीं है, अगर छोटे लाल जी नहीं खा, अब बहुत है, अब नहीं खा पाएंगे ना। तो छोटे लाल जी ना बोल चुके हैं और फूलचंद जी देखते हैं कितने समय में कंप्लीट करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। तो यहाँ पर 5:50 हो चुका है और 5:50 में 8 भटूरे का एकदम गर्दा उड़ गया है फूलचंद जी की थाली में। तो यहाँ पर देखना है कि जो यहाँ पर शेष मात्र भटूरा बचा है कितने मिनट कितने सेकंड पर फूलचंद जी इसको समाप्त करते हैं और कभी हंस मुस्कुरा के कहते चैलेंज को जीते हैं। और फूलचंद जी बहुत गजब मुस्कुराते हैं और हंसते हैं तो मानो एकदम पूरी तरह से घटाएं गिर जा रही है। और ये देखिए इतनी बड़ी ढकाल ले रहे हैं, डरा रहे खाने के बाद ऐसे लग रहा है, अभी डरा रहे छोटे लाल। लेकिन छोटे लाल जी पहलवान इंसान है, वो डरने वाले नहीं है, समझ के चलिए। छोटे लाल को हड़का रहे जैसे लग रहा है चैलेंज जीतने के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अच्छा मिनट देखते हैं, 7 मिनट के अंदर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो इनको डिक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और फिर जुट गए हैं छोटे लाल जी खाने के लिए, कह रहे हैं अब मैं हराऊंगा, ताली ठोक के खड़े हो चुके हैं छोटे लाल जी। और 6:52 में बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। तो फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। काफी मस्ती हो जाती है फूलचंद जी के साथ और हाथ धो लीजिए, इनाम की राशि ले लीजिए। तो ये लोग आए हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर छोला भटूरा खाने के चैलेंज में फूलचंद जी बहुत अच्छी तरह से जीत हासिल किए हैं और छोटे लाल जी एकदम पहुँच के दो भटूरा से पीछे हो गए हैं। तो काफ़ी साहस दिखाए और क्या वजह रही छोटे लाल जी थोड़ा सा पीछे रह गए आप? थोड़ा सा मैं अभी घर से खाना खा के निकले थे। हाँ तो खाना खाने के बाद भी चैलेंज आप स्वीकार कर लिए जी, मतलब सोचे थे कि आज हम फूलचंद को हरा देंगे खाना खाने के बाद भी, लेकिन तो थोड़ा सा गफलत में रह गए छोटे लाल जी और फूलचंद जी एक्स्ट्रा पावर लगा दिए, इस वजह से दो भटूरे से जीत गए हैं। तो 6 भटूरा छोटे लाल जी खाए हैं और 8 भटूरा फूलचंद जी खाए हैं। तो फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं, आप इतनी पावर कहाँ से लगाते हैं फूलचंद जी? अब जाए लाग मुहे में घसा घस जाए तो फिर देखा जाए तब। मतलब पावर नहीं लगाए हैं, हिम्मत लगाए हैं, आज हिम्मत की दाद देनी होगी फूलचंद का। तो इनाम की राशि पा गए हैं, तो पैसा एक बार दिखा दीजिए। और ये पैसा पा गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और छोले भटूरे कैसे? बहुत गजब का था। हाँ, मजा आया ना? मजा इसीलिए तो मैं पूरा साफ कर दिया। तो छोटे लाल जी आपको छोले भटूरे ठीक थे कि नहीं? मुझे अच्छा लगा। और छोटे लाल जी तो सिर्फ ग्रेवी खाए थे, छोले सारे छोड़ दिए थे, तो फिर भी साहस दिखाए, छोटे लाल जी का धन्यवाद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।